नमस्कार, सहारा प्रणाम। मैं हूं चकित सेन और खबरों के नए अवतार समाचार में आपका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं सुर्खियों की तरफ। चलिए चलिए। मंगल ग्रह पर मिले पानी के निशान, वैज्ञानिकों के खड़े हुए कान। रियल एस्टेट एजेंट ने खोली प्रॉपर्टी की दुकान। संसद में मचा है पक्ष और विपक्ष का घमासान। नेताओं ने कहा पार्लियामेंट नहीं बचा सोने का स्थान। सोते नेताओं ने घर में ली चादर तान। आमिर खान के घर पैदा हुआ बेटा, बिना गर्भवती हुई किरण बनी बच्चे की माँ। दर्शकों ने कहा उई माँ। सचिन के 200 रनों का सहवाग ने तोड़ा रिकॉर्ड। वेस्ट इंडीज के बॉलरों को सहवाग ने जमकर धोया। पिद्दू ने खोया अपना आपा, कहा रिकॉर्ड होते हैं फ्रॉड। और कोलावड़ी गाने की लोकप्रियता जावेद अख्तर को नहीं आई रास। उन्होंने निकाली भड़ास, कहा गाने के बोल हैं बकवास। और अब संजीदा खबरें विस्तार से। मंगल ग्रह पर जीवंत होने के तत्व पाए गए हैं। मंगल ग्रह पर पानी के कुछ निशान पाए गए हैं। और चलिए अब सीधे रुख करते हैं मंगल ग्रह का। अरे मेरा मतलब है मंगल ग्रह पर पहुंचे एक वैज्ञानिक का, जो हमसे सीधे बातचीत कर रहे हैं। अरे वैज्ञानिक जी। ओए हिंदी में कौन बोल रहा भाई, कौन आ गया यहाँ मंगल ग्रह पे? आप कौन? अरे भाईजान मैं चांदनिया बोल रहा हूँ, सीधा चांदनी चौक से मंगल ग्रह पे पहुँचा हूँ। लेकिन आप वहाँ कैसे पहुँचे? अरे मैंने लोकल रैकेट पकड़ा भाई, लोकल रैकेट पकड़ के मैं आया हूँ यहाँ पर। लोकल रैकेट? हाँ बावड़ी पूंछ। देवा टोपी पिनाने में तो अपन उस्ताद हैं। सही कह रहा हूँ भाई जान, हंसी ना आपा की कसम खा के बोला हूँ, उड़ान छलेगी कसम, उड़ान छलेगी। टोपी पिनाने में तो हमारा कोई सानी ना है। और टोपी पिना दी हमने भाई अपने इंडियन सुपर हीरो को, वही छोड़ गए मुझे यहाँ पे। कैसे भाई? मैंने कहा क्रिश को भजान, सलाम वालेकुम क्रिश भजान, असलाम वालेकुम, पहचाना मुझे? मैं चांद मियां बोल रहा हूँ, मेरे को मंगल पे जाना है। वो मेरे को पिटा के अपने सीधा लेके आके और मुझे बुध पे छोड़ दिया। बोले भाई ये तुम बुध पे बैठ जाओ, बुध से तुम अपना कोई आगे का इंतजाम कर लेना। बुध से मैं यू टर्न ले रहा हूँ, मेरे पर इंश्योरेंस के पेपर पूरे ना, आगे जुर्माना हो जाता है भैया। वो तो यहाँ से निकल गए। फिर मैंने देखा तो वहाँ जीवन दिख गया मुझे। मैंने कहा भाई शाहरुख भाई यहाँ क्या कर रहे हो, छुपे हुए जीवन? बोले यार छुप रहो, ये छुपा बैठा ना तुम, मुझे यहाँ मैं छुपा हूँ, पिक्चर बुरी गई है, अब लोग मुझे मारने के घूम रहे हैं, छुप गया। मैंने कहा भाई पोल खोल दूंगा मैं, मुझे चलो मंगल छोड़ दो। बोला भाई मंगल ना जाऊंगा, उधर पीयूसी का बड़ा चिकन चला, पीयूसी मेरी पूरी ना, मैंने पीयूसी ना करा रखी भैया, सारे पैसे तो मैंने लगा दिए रावण में, पैसे ना बचे पीयूसी कराने के। तो मैंने कहा भाई मुझे कहीं तो छोड़ो, बोला ठीक है तो मैं गुरु छोड़ दूंगा मैं, वहाँ यू टर्न लेके यहीं आ जाऊंगा, उधर नहीं जा रहा है, उधर पीयूसी का पर्ची कट रही है। तो वो मेरे को बिठा के ले गया, मैं छोड़ गया गुरु पे। फिर मैंने दिया मैं दिमाग में आ गुरु, अपना तो सबसे बड़ा गुरु तो रोबोट है रजनी भाई। मैंने कहा रजनी भाई को फोन लगा था, मैंने रजनी भाई को फोन लगाया तो गुस्सा होगा मेरे को, भिन्नौट हो गया, बोले दिमाग घूम गया तुम्हारा, तुम अच्छी बात करो मेरे को, मैं तुमको बचाता था वहां पर, सीधा तुमको चांदनी चौक सीधा में लेके जाता मंगल पे। फिर वो आया मुझे बिठा और मुझे यहाँ छोड़ गया, और साथ में बोले देखो जब जाना हो वापसी मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा लेने के लिए, तो वापसी का टिकट मेरा कन्फर्म हो गया भाई साहब। हाँ आप पूछो, तुम क्या पूछ रहे थे? लेकिन आप वहां गए क्यों? अरे भैया प्लॉटिंग कर रहा हूं मैं, सुना मैंने अमेरिका में यहाँ पानी था 3 अरब 40 करोड़ साल पहले, यहाँ पानी हुआ करता था, पानी की निशान मिली, मैंने कहा जा पानी वहां जिंदगा नहीं। भैया मैं इससे पहले आ गया, मैंने कहा इससे पहले कि उल्लासनगर का चप्पू कलानी और थाने का कंटाप शरना गाय, मैं आगे मैं प्लॉटिंग कर दूँ पहले, तो मैं प्लॉटिंग करने आ गया हूँ, मैं मंगल ग्रह पर प्लॉटिंग कर रहा हूँ भाई। प्लॉटिंग? प्लॉटिंग मतलब वो जमीन काट करके बेचने का काम, को प्लॉटिंग देते करना वाले तुमको, कौन बैठा दे तुमको वहाँ पर? भाई देखो प्लॉटिंग का काम शुरू कर दिया मैंने यहाँ आके, भैया मस्त प्लॉटिंग कर रहा हूँ एकदम झकास, तुमको चाहिए तो बोलो। आप सुबह आपने फोन किया सुबह सुबह, आप ले लो एक प्लाट तो आपको कर देता हूँ मैं, 2000 रुपये पर स्क्वायर फुट लगा दूंगा। हाँ भाई सही अच्छा प्लॉट दूंगा मैं, जानू के कोने वाला प्लॉट ले लो, जानूंगा चाहिए जानूंगा टूर वाला, तुमको शक्ल जानू भी लगते, ले लो वहाँ का प्लॉट। नहीं चाहिए तो जन्नत के कोने वाला प्लॉट ले लो, ठंडी ठंडी हवा आएगी, तुम्हारे तो कर्म भी इतना दिख रहे मुझे कि तुम जन्नत में जाओगे। हाँ जन्नत के करीब वाला प्लॉट ले लो, कोने वाला अच्छा प्लॉट है, हवा आएगी भैया, ताजी ताजी हवा आएगी, ठंडी ठंडी है,
पूरे नाचेंगे देख लियो छुप छुप के। नहीं नहीं बस दिमाग नोट ना कर मेरा, हाँ लेना तो ले लेंगे तो तारे तोड़ के फेंक के मारूंगा यहाँ से मैं, तारे फेंक के मारूंगा मैं, दिमाग मत घुमा। सुबह भी फोन लगा ले ले बे बावले सस्ता लगा दूंगा। अरे 500 कम दे दे भाई तू। अरे भाई चलो 700 रुपए कम दे देना यार, तुम पहले ग्राहक हो जिसने फोन किया, सुबह सुबह का टाइम है यार, बोनी करा दो भाई। अरे नहीं नहीं हम जीते जी संग्रासी नहीं होना चाहते। अरे तो सीधे सीधे बोलो यार, नहीं लेना दिमाग खराब करो यार, दिमाग घुमा दिया मेरा। कसम उड़ान छल्ले की सुबह सुबह बोनी के लिए फोन किया तुमने, उसके बाद भी तुम ले नहीं रहे हो। अरे मैं कितनी मुश्किल से आया हूँ यार, मैं गफूर भाई का हेलमेट लेके आया हूँ, उनको बोला मैं मंगल यार मंगल गिरे जा रहा हूँ, वो समझे मंगल बाजार जा रहा हूँ, बड़े ले जाओ। अब वो ढूंढ रहा हूँ नीचे अपना ना, चलो भी जाओ तुम। अब यहाँ बिना हेलमेट लगाए घूमने पर्ची कट जाती है, बड़ा कानून चल रहा है यहाँ पे, सही कह रहा हूँ मैं। अच्छा मैं तो लगा रहा हूँ हेलमेट ना, तुम्हें चाहिए, चलो निकल लो फिर। ओहो मैं तो बच गया, नहीं तो अभी ये मुझे स्वर्गवासी करवा देते। चलिए इन्हें करने दीजिए प्लॉटिंग और हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ जो आ रही है संसद से। संसद में जो घमासान मचा हुआ है पिछले 25 दिन से, वहां पर क्या माहौल है और किस लिए घमासान मचा हुआ है, आइए पूछते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा एक नेता जिनका नाम है सोतू प्रसाद, उन्हीं से पूछते हैं ये घमासान क्यों मचा है आखिर। सोतू जी आजकल आप संसद क्यों नहीं जा रहे हैं? अरे आजकल हम गहराई में सो लेते हैं ना, संसद जाए की जरूरत नहीं पड़ती है, कौन बोल रहा है? लेकिन आपको लगता नहीं कि आपको संसद में होना जरूरी है? देखिए फिलहाल तो हमारा सोना जरूरी है, इसलिए 3 रातों से नहीं सोए हैं। इन 3 रातों से आप भला क्या कर रहे थे? जलेबी भाई, जलेबी भाई, जलेबी भाई, जलेबी भाई नाइट देख रहे थे 3 दिन से। लेकिन सोतू जी 20 दिन से ज्यादा हो गए जो संसद का कामकाज है वो पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है, इसकी आपको कोई चिंता नहीं? बीस साल से हम पॉलिटिक्स में है, 20 साल में हम नहीं चलता देखे हैं, वहीं खड़ा वहीं टिका रहता है, ठप रहता है। सोतू जी क्या आप जानते हैं कि जनता आपको क्यों चुनती है? जानते हैं, जनता को चुन के भेजे है, जाके ऐश कीजिए नेताजी, नेताजी आप ऐश कीजिए, हम आपके साथ हैं, नेताजी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, ऐश कीजिए हम आपके साथ हैं, ऐसा बोलते हैं जनता। तो नेताजी तुझी घोटाले में आप जी चिदम्बरम पे भी आरोप लग रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए जी चिदम्बरम जी से एक ही बात कह दीजिए कि अब लुंगी पे बेल्ट बांधना शुरू कर दें, क्या है कभी भी भागना पड़ सकता है। अब हम आपको भी बोलेंगे, राय देंगे कि आप भी निकल लीजिए, भाग लीजिए, नहीं तो हमारे पास इंतजाम है, हम कुत्ता रखे हैं कुत्तौना बहुत कटखन्ना है, और गेट पे लिख के रखे हैं कुत्ता सावधान, वही कुत्ता छोड़ देंगे। ए शेरो सोने नहीं देता है, आराम से सो रहा था, सब घोटाला बल्ला हो गया, सो रहा चुपचाप, अभी तक नाम भी नहीं आया किसी घोटाले में, खाली मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो देखा आपने, अब आपको पता लग ही गया होगा कि हमारे देश की हालत ऐसी क्यों है। चलिए नेता को छोड़िए इनके हाल पर, और अब हम सुनाते हैं आपको एक खुशखबरी जो कि आ रही है बॉलीवुड से। आमिर खान के घर जन्म लिया है एक बच्चे ने, और वो बच्चा कोई आम नहीं है, ये है साइंसी बच्चा, और इस बार एक्सक्लूसिवली सिर्फ समाचार के स्टूडियो में आमिर खान का वो साइंसी बच्चा मौजूद है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा पापा देखेंगे बहुत कुछ होंगे, पहला इंटरव्यू है, पापा देखेंगे बहुत कुछ होंगे। पापा अल्फा बेटा आप किस दिन पैदा हुए थे? ओ अंकल ये गलत सवाल है, गलत सवाल। ऐसे पूछा तुम किस दिन बने थे, मेरा निर्माण हुआ मैं याद हुआ हूँ, मैं साइंसी बच्चा हूँ, मिस्टर परफेक्शनिस्ट का बच्चा होना आसान नहीं है। जैसे कि आप एक साइंस का तजुर्बा हैं,
क्या आपको पैदा होने में कोई तकलीफ हुई थी? पापा ने मुझे कई बार तोड़ा, चार बार मैं तोड़ के बनाया। ओ त्री, इसकी तो उंगली लंबी हो गई। ओ त्री, इसको तो पैर लंबा हो गया। ओ त्री, इसके दांत लंबे हो गए। चेक कर करके पापा ने मुझे बहुत पट तोड़ा, मैं तोड़ूंगा। मिस्टर परफेक्शनिस्ट का बेटा होना इतना आसान नहीं है, है ना? जब मैं पहले पैदा हुआ ऐसा करके पापा ने मेरे मुंह पीटे तमाचे मारे, बोले ऐसे पैदा होना था तो पहले नहीं पहचान सकता था, दसवीं के पैसा भी बच जाते, अपना बेटा करता। अंकल तुम्हें, ओ आपके जबड़े के राइट साइड में तो थोड़ी हड्डी निकली हुई है। ओ गडनी डैडी, ओ गडनी डैडी, अरे अपनी टेट वाली मशीन लेके आ जाओ, अंकल का नाम लिखो और फिर अंकल को धोएंगे, पकड़ेंगे, मारेंगे। अंकल अंकल, ओ अंकल, ओ तेरी, ओ तेरी, ओ तेरी, अपनी तो पास चला, किसी पास चला। हेलो, अपनी तो पास चला। हेलो हेलो, किसी पास चला, अपनी तो पास। हेलो 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 हेलो, लगता है अल्फा बीटा गामा से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ जो आ रही है खेल जगत से। वेस्ट इंडीज को जबरदस्त धोया है सहवाग ने, और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे नवजात पिद्दू के पास। नवजात, ओ चकी से मेरे दोस्त, छा गया तुसी, और छा गया नजर गड़कर नवाब, और लगा के एल्बो गार्ड, उसने तोड़ दिया सचिन का रिकॉर्ड, और स्कोर पहुंचाया 200 के पार। मेरे दोस्त, कुंद पड़ी बल्लेबाजों की धार और ठोको ताली। जब पिद्दू जी ये बताइए, सचिन ने कहा था कि उनका जो रिकॉर्ड है वो सिर्फ सहवाग ही तोड़ सकता है। ओ मेरे दोस्त सकी सेन, सुन ले एक बात, बलवान पेड़ के हो चिकने पाप और पूत के पाव पालने में दिख जाते हैं। सचिन महान है, सहवाग बलवान है, ये वीरों की धरती है, यहाँ वीर पैदा होते हैं, कभी कभी तुझे कभी पैदा करते हैं। और ठोको ताली। पिद्दू जी, अब आपने इतना सब कुछ कह दिया तो शायद एक हो जाए। और सुन मेरे दोस्त, सुन चकी सेन, एक मैदान मारने से कोई इंसान सिकंदर का प्राण नहीं बन जाता, उसी तरह बार बार जीतना कुतिया का शिकार नहीं होता। और ठोको ताली। और सुन मेरे दोस्त, सुन मेरे प्राण, एक बात सुन ले, जिस तरह हर कीदड़ शेर नहीं होता, उसी तरह से हार हारने वाला ढेर नहीं होता। और ठोको ताली। ओ चक दे फटे नब्बे गिल्ली, सुबह जलंधर ते शाम दिल्ली, और कुत्ते की हरकत करती मेरी बिल्ली। ओ मेरे दोस्त सुन ले, सुन मेरी बात, बेशर्म काटते हैं बिकनी में केक, और हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ओ बट ठोको ताली, कितना ठोकोगे ताली।